उड़ान में आज चकोर बन गई है झांसी की रानी, क्योंकि चकोर को तो आज किसी भी चीज का डर ही नहीं लग रहा। जरा देखिए तो कैसे चकोर ने ठान ली है कि वो ट्रक के सामने से नहीं हटेंगी। हम नहीं हटेंगे, आज हम भी देखना चाहते हैं कि जीत किसकी होती, चकोर के प्यार की या सूरज के पागलपन की। अगर सूरज के मन में मान लिए जरा सा भी प्यार, तो आज वो गाड़ी जरूर रोकेगा। अब आप कुछ सोचे उससे पहले आपको बता दें कि जिस ट्रक के सामने चकोर खड़ी है उस ट्रक को सूरज चला रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उस ट्रक में गांव वालों के ऑर्गन्स हैं, इसीलिए चकोर परेशान है। लेकिन गुस्से में चूर सूरज कहां सुनने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सूरज ने चकोर को देखकर ट्रक को रोक दिया। कर चकोर को काफी अच्छा लगा, क्योंकि सूरज ने जिस तरह से ट्रक को रोका उससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं चकोर के लिए सूरज के दिल में हमदर्दी है। हमें गाड़ी रोकना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। चकोर, आपसे ही जानना चाहेंगे इस ट्रक के बारे में। ये सूरज जो ऑर्गन्स है वो बेचने जा रहा है, उसे नहीं पता होता है। बट मैं अपने मिशन पे हूँ, मिशन ऑर्गन्स बचाओ, तो मैं वही सूरज को रोकने के लिए खड़ी हूँ। चकोर, सूरज ने आपको देखकर ट्रक रोक दिया, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बड़ी चंट लेती हूँ, तो सूरज का ध्यान भटकाती हूँ, मैं उससे बातें बातें करती हूँ और उसे उलझाती हूँ और पीछे छगन और पाकी पाकी का काम कर जाती हूँ। चकोर, ये कैसी परीक्षा थी जो आज आप सूरज से ले रही थी? आज मेरे प्यार की परीक्षा थी, या तो मेरा प्यार जीता है, सूरज का पागलपन जीता, मुझे भूल जाने वाला पागलपन। तो जीता मेरा प्यार क्योंकि सूरज ने गाड़ी रोक दी, वरना मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती। वेल, यहाँ तो चकोर अपने मिशन में कामयाब हो गई, लेकिन सूरज के तेवर कब बदलेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।